ये एक पेंसिल है, इसकी थिकनेस देखो पहले, काफ़ी थिक लेड है इसका, जो कि एक 8B पेंसिल का होता है। और इस पेंसिल की मदद से हम कैसे ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाना चाहते हो पोर्ट्रेट ड्राइंग की आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए ही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सिंगल पेंसिल 8B पेंसिल यूज़ करके, ब्लॉकिंग टेक्निक को यूज़ करके और भी बहुत सारी टेक्निक को यूज़ करके कैसे हम पोर्ट्रेट की आउटलाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट यूजिंग अ सिंगल पेंसिल, और कैसे ये हमें मदद करती है हमारी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है उन सभी लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ पर जो रेफरेंस इमेज मैंने ली है वो आप देख सकते हो, और इस पर हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। एक बिल्कुल ही रफ़ पेपर है ये, मतलब किसी यूज़ का पेपर नहीं है ये, बहुत अच्छा पेपर नहीं है, एक नॉर्मल पतला सा पेपर है ये, जिसमें हम बस जस्ट अंडरस्टैंड करेंगे इसको कैसे। तो यहाँ पार्शियल ल्यूमिस मेथड को यूज़ करने वाले हैं। पार्शियल ल्यूमिस मेथड मतलब ल्यूमिस और उसमें से कुछ पार्ट और भी टेक्निक के यूज़ करेंगे ब्लॉकिंग वगैरह को। तो पहले मैंने सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ किया, और ये अपवर्ड लुकिंग 3/4 फेस है, तो कॉम्प्लेक्स भी है ऑब्वियसली, लेकिन समझने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि इसको कैसे हमें ऑप्ट करना है, कैसे हमें ड्रॉ करना है। और देखो जैसे ये जो लाइन है, ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी यूडेमी और स्किल शेयर क्लास को एक बार ज़रूर देखो। जिन लोगों को भी आर्ट सीखनी है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी इनडेप्थ नॉलेज है आर्ट के बारे में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार जरूर ट्राई करके देखना। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ट्यूटोरियल्स। लिटिल बिट इंक्लाइंड नॉट द वर्टिकल, तो ये इंक्लाइंड है, ठीक है, बहुत ही ईजिली ये समझ में आ गया। और उसके बाद जो दूसरी लाइन जो जाएगी, जहाँ पे ईयर आएगा, जहाँ पे कान आएंगे, वो वाली लाइन जो है वो नीचे डायरेक्शन में होगी। फिर सर्टेनली सेकेंड एंगल, सेकेंड सर्किल जो हमने ड्रॉ किया दूसरे एंगल पे, और वो उसका जो एक्सेस है वो नीचे के डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो शेप है फेस का, जो हम अक्सर ड्रॉ करते हैं जब हम ल्यूमिस से ड्रॉ करते हैं, तो ये शेप हमारा यहाँ निकल के आया। अभी जस्ट एक अंदाज़ा ले रहे हैं, इट्स नॉट द फर्म और फाइनल थिंग, इसको चेंज भी करना पड़ सकता है। जस्ट हम एक आइडिया ले रहे हैं कि एक फेस जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, अगर ये 3/4 में फेस का डायरेक्शन है तो। अब यहाँ पे मेन चीज़ शुरू होती है, जो ब्लॉकिंग है ना वो अब यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है कि कैसे हम ब्लॉक को समझ सकते हैं। तो सिमिलरली देखो मैंने पेंसिल को किस तरीके से पकड़ा है, एकदम टिप पे पेंसिल को पकड़ा है, क्योंकि हम इसकी साइड्स को यूज़ करना चाहते हैं, हम इसकी टिप को यूज़ ना करके हम इसकी जो साइड्स हैं पेंसिल के उसको यूज़ करेंगे। और ये देखो मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है, सिंपल एक ब्लॉक क्रिएट किया, वहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, जस्ट आप देखते चलो ट्यूटोरियल के, पूरा ज़रूर देखना, एंड में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको पूरा देखिएगा। और फिर सेकंड आई को भी बिल्कुल उसी तरीके से ड्रॉ करने का कोशिश किया। देखो यहाँ मैं ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आई नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो गहराइयाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर उन गहराइयों में जो सबसे ज़्यादा गहरी चीज़ है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने ब्लॉक किया है, एक ब्लॉक क्रिएट किया, उसको ब्लॉक इन करते हुए चल रहे हैं, मतलब उसमें और ज़्यादा ब्लॉक्स ढूंढते हुए चल रहे हैं, तो उसको ब्लॉक इन टेक्निक बोलते हैं, कि एक ब्लॉक फिर उससे और छोटा ब्लॉक फिर और छोटा ब्लॉक्स बना बना के ब्लॉक के फॉर्म में। कोई भी शेप नहीं हमें ड्रॉ करना पड़ रहा है यहाँ पर, कि हम सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं आई के अंदर का, या फिर कुछ एक पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ब्लॉक्स के फॉर्म में हम चीज़ों को समझ रहे हैं। और ये जो एंगल है ना देखो पेंसिल का, ये बहुत समझ के आपको समझने वाली ज़रूरत है। यहाँ पे पेंसिल की जो साइड्स हैं उसका हम बहुत अच्छे से बेनिफिट ले रहे हैं, और ये पेंसिल को अगर आप और ज़्यादा टिप को आगे तक शार्प कर दोगे और ज़्यादा लेड निकालोगे तो और भी बेहतर ढंग से ड्रॉ कर सकते हो, बट एकदम बिगिनर के लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये पेंसिल जो आपने शार्पनर से शार्प की हुई होती है, ये थोड़ा आपके लिए ईजी पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको अब यहीं तक शार्प किया है, चाहें तो आप और ज़्यादा नीचे तक इसको शार्प कर सकते हो। और फिर सिमिलर तरीके से मैंने नोज़ में भी वही काम किया है जो कि मैंने आपको आईज़ में बताया। ये जो पूरा का पूरा ड्राइंग है इसको मुझे करने में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगे हैं खाली, ठीक है, 20 भी नहीं, इनफैक्ट 15 मिनट्स लगे हैं खाली। तो जल्दी से इस ब्लॉकिंग को समझते हैं, जैसे आईज़ को ब्लॉक करना है तो देखो कैसे होगा, ये देन दिस एंड देन द लास्ट वन दिस, ये चारों कवर होंगे तब जाके ब्लॉक क्रिएट होगा। समझ गए बात को, बहुत सिंपल सा फंडा है।
और ये इतना क्विक होता है, इतना जल्दी से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और इसीलिए ये क्विक ड्राइंग टेक्निक में आता है। और जनरली ज़्यादातर जब आप स्टडी करते हो, एकेडमिक ड्राइंग वगैरह पढ़ते हो, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको हेल्प करता है, और इसीलिए इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है उन सभी आर्टिस्ट के लिए जिन्हें क्विक रिजल्ट्स में बिलीव है, जो बहुत जल्दी से ड्रॉ करके चीज़ों को फिनिश करना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने नोज़ को भी वहाँ पे ड्रॉ किया, और फिर उसके नीचे बियर्ड एंड देन द लिप्स, उसमें भी हम सेम वही टेक्निक को यूज़ करने वाले हैं। इन सभी टेक्निक्स के बारे में मैं और डिटेल में अभी इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड में ज़रूर बने रहिएगा कि कैसे उसको ऑप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हम जस्ट एक ड्रॉ करते चल रहे हैं, ताकि आप पहले देख लो कि किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह से मतलब अप्रोच है, फिर उस अप्रोच में इन डिटेल में जा कर के एक एक चीज़ को आपको बताने की भी कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे लिप को ड्रॉ करेंगे, लिप के बाद फिर और फीचर्स को ड्रॉ करेंगे। लिप्स में भी खास तौर पे देखोगे तो केवल लिप में जो डार्क एरिया है ना, उसी को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिप के अंदर जो लाइंस वगैरह हैं लिप्स की होती हैं, वो सब नहीं ड्रॉ हो रहा है, केवल जो आप जब आइज़ को थोड़ा स्क्वीज़ करके देखते हो ना चीज़ों को, तो जैसे दिखती हैं वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। अब क्विकली से जो आउटलाइंस हैं उसको, फेस की आउटलाइंस है उसको वहाँ पे मैच करा के ड्रॉ करने की कोशिश हो रही है, और थोड़ा सा ल्यूमिस में जो बोला था ना, पार्शियल ल्यूमिस है, क्योंकि पूरा ल्यूमिस नहीं, पार्शियल उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर फेस अपने आप में अलग होता है। एग्जैक्ट ल्यूमिस किसी पे भी अप्लाई होना बहुत बहुत रेयर होता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे ल्यूमिस में भी। तो वहाँ पे अभी उसी को चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया है, और फिर ऊपर से हेड का जो पीछे से दबा दिया है, क्योंकि देखो हर किसी का हेड वगैरह का शेप अलग अलग होता है, आप ये नहीं कह सकते या ये नहीं सोच सकते कि सबका शेप एक जैसा आपको मिल जाएगा फेस का, क्योंकि हम सभी को ऊपर वाले ने अलग अलग तरीके से बनाया है, इसलिए ऐसा मिलना मुश्किल होता है। मैं वापस से आईज़ पे आ रहा हूँ और फिर से उस पर काम करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, और ज़्यादा जो रिफाइंड करूँगा वैल्यूज़ को, तो ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक और फिर उसके अंदर जो वैल्यूज़ हम ऑप्ट कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्निक क्या थी, टेक्निक ये है होल से पार्ट की ओर चल रहे हैं, मतलब पहले पूरा पार्ट ड्रॉ किया, पूरा जो डार्क एरिया था वो देख लिया, वो ड्रॉ कर दिया, और फिर उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्शन हैं उसको ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं। और अगर आपको ये टेक्निक बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं है ना, तो आप इसी पोर्ट्रेट इसी ड्राइंग को लो रेफरेंस के तौर पे, और उसको ड्रॉ करने का देखो कहाँ तक आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, फिर आप उसको बेहतर ढंग से समझ पाओगे, बेहतर ढंग से अख्तियार कर पाओगे, और फिर उसको यूज़ भी कर पाओगे आप। तो ऐसा मत करो कि मतलब आपने देख लिया ये ट्यूटोरियल और हो गया बस काम ख़त्म, नहीं। अगर आपको वाकई उसको सीरियस लेवल पे सीखनी है चीज़ें, और मैं तो यही बोलूँगा कि चैनल पे जितने लोग भी हों वो थोड़ा सीरियस रहें कंटेंट को लेकर के, यहाँ पे पर्पस ये रहता है कि आपको आर्ट सिखाई जाए, ना कि ये पर्पस रहता है कि केवल एंटरटेन किया जाए आपको। तो रादर देन थोड़े से मेरे सीरियस लेवल के कंटेंट होते हैं, तो प्लीज़ उसको थोड़ा उसी लेवल पे, उसी सीरियसनेस पे आप देखने की कोशिश करिए। हो सकता है तो कोशिश करिए कि उसके नोट्स वगैरह बना लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करके रखिए कहीं पर, तो वो आपको हमेशा हेल्प करेगा जब भी आप पोर्ट्रेट वगैरह ड्रॉ करना चाहोगे तो। और मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन्स डालने की कोशिश करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होने की भी मैं कोशिश करता हूँ, और इसीलिए मैं आपसे भी उसी लेवल का क्लास में सीरियसनेस चाहता हूँ। जब आप मेरा कोई भी वीडियो देखें तो उसी लेवल से आप भी सोचें कि हाँ आज कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, और मेरा कोशिश भी यही रहता है कि आपको कुछ नया ज़रूर सिखाऊँ, और मुझे ये लगता है कि मैं काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस भी अचीव करता हूँ आपको सिखाने में, क्योंकि आप लोग ही बताते हो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपके ट्यूटोरियल्स, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और यहाँ पे वही एम रहता है हर वीडियो बनाने के पहले, यही एम रहता है कि आज क्या सिखाने वाला हूँ, और इसीलिए कोशिश ये करता हूँ कि टाइम लैप्स कम से कम रख के ज़्यादातर चीज़ों को रियल टाइम में या ट्यूटोरियल बनाकर डालने का, समझाने का कोशिश करूँ। अब देखो ये जो यहाँ तक किया था हमने, अब बियर्ड में है जैसे, तो और डार्क करना है, तो उसमें हम डार्क करते चल रहे हैं वैल्यूज़ को, और ज़्यादा ब्लॉक्स क्रिएट करते हुए चल रहे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, है ना, बट कॉन्स्टेंटली उसको ड्रॉ करते जाना है, बढ़ाते जाना है उसकी वैल्यूज़ को। तो जितना भी आप इसमें वैल्यू और बढ़ाते जाओगे और फिनिश्ड होती जाएंगी चीज़ें,
लाइट एंड शेड्स को और ज़्यादा अच्छे से समझते जाओगे तो और अच्छा रिफाइंड आर्टवर्क आप क्रिएट कर पाओगे। तो वो तो सब कुछ उस पर है कि आप कितना टाइम देते हो। मैंने 20 मिनट का टाइम दिया तो 20 मिनट जैसे रिजल्ट मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्विक ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। एक्यूरेटनेस पे नहीं जा रहा हूँ, रादर देन क्विकनेस पे जा रहा हूँ, स्केची पे जा रहा हूँ, ब्लॉकिंग पे जा रहा हूँ। आप उसको और ज़्यादा रिफाइन करना अगर चाहो तो और इस पर रिवर्क करो। तो अब यहाँ पे देखो, समझाता हूँ कि वैसे मैंने किया क्या है। तो देखो, आइज़ में क्या करना है, कैसे ब्लॉक बनाना है, बहुत सिंपल तरीका है। ये एक शेप है, इस शेप को देखो यहाँ पे ध्यान से। ये शेप आपको हर बार ऑप्ट करना है, ठीक है। जब भी आप जिस तरीके का पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो उसमें ये शेप ढूंढो, वो डिफरेंट होगा ऑब्वियसली क्योंकि अलग एंगल पे देख रहे होगे आप, लेकिन शेप मिलेगा आपको कोई ना कोई, कैसा भी। पूरे के पूरे आई ब्रो से लेकर के नीचे जहाँ लोअर आईलिड है उसको पूरे को मिलाने की देखने का कोशिश करो एक साथ, और उस पोर्शन को पहले ड्रॉ करो, ठीक है। फिर उसके अंदर आई को ढूंढो, ठीक है। उसके अंदर आई के पैचेस को ढूंढो, जहाँ जहाँ ब्लॉक बन सकते हैं वहाँ ब्लॉक बनाओ, जहाँ पे कोई एक शेप बनना चाहता है वहाँ शेप बना दो। तो इस तरह से आपको ब्लॉक इन करते हुए चीज़ें मिलने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन है एकदम प्रो तरीका, मतलब आर्टिस्ट यूज़ करते हैं जिन तरीक़ों को, वो तरीके हैं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप ला सकते हो अगर आप बहुत ही आराम से तसल्ली के साथ काम करो। मैं तो अभी क्विकली आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे इवन चाकूल्स वाले जितने हैं वो जनरली ब्लॉक इन पे ही होते हैं। अभी जैसे एक सेंट का बनाया था, इंडियन सेंट का, वो आप देख सकते हो, और वो भी उसमें भी यही टेक्निक को यूज़ किया गया है। तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो हों या आर्ट वीडियोज़ हैं जिसमें मैं यही टेक्निक यूज़ करता हूँ ब्लॉकिंग वाली। तो ये इस तरह से देखो आई को क्रिएट किया, ये तो छोटे फॉर्म में था, इसको यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। सिमिलरली नोज़ पे भी यही चीज़ काम करेगी। देखो ये हो गया शेप, शेप के अंदर फिर जो माइक्रो शेप्स हैं उसको फिर ऑप्ट कर लिया। बहुत सिंपल है, बहुत क्विक है, क्योंकि एड भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत जल्दी से हो जा रहा है। और यही कोई लाइटर ग्रेड की पेंसिल यूज़ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको करने में, है ना। तो इसीलिए डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ करना है हमें, बहुत समझदारी है इस टाइप की, खासकर ड्राइंग में। तो देखो इतनी आसानी के साथ नोज़ का शेप भी मिल गया। इसी तरह से आप लिप के शेप को भी कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, और उसमें भी वैसा ही रिसेम्बलेंस या बोलूँ तो एक अप्रोच ढूंढ सकते हो। इसमें अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या रिज़ल्ट आया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना परसेंट रिज़ल्ट आया वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने अप्रोच यूज़ किया और क्या आपने टाइम यूज़ किया उस चीज़ को ड्रॉ करने में, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और वही चीज़ समझने वाली है। तो फिलहाल अभी इतना ही ट्यूटोरियल में, मुझे लगता है आज का ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, खासकर आउटलाइन ड्राइंग समझने वालों के लिए, और एक ऑब्जर्वेशन स्किल को कैसे बढ़ाओगे ब्लॉकिंग से, तो वो चीज़ आपको काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।